जय मसीह की। आप सबको इस हिंदी आराधना में होप एजी कलीसिया के तरफ से हम आपको स्वागत करते हैं। इस आराधना में आप सब शामिल हैं, हमें बहुत खुशी है। आइए हम छोटे से प्रार्थना करके गीत गाएं और आराधना में जुड़ जाएं। सब मसीह भाई बहन जो भी इसे YouTube में देख रहे हैं, आप सबको हम फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने हमें इतना उत्साह किया है इस आराधना के लिए। हम आपको धन्यवाद करते हैं, प्रभु को भी धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, आपने हमें इस महीने के तीसरे हफ्ते तक ले आए हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, अभी तक आपने हमें संभाला है, हमें पाला पोसा, सब कुछ दिया, इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं। बहुत लोगों ने इस दिन को देखने के लिए बेचैन होकर भी वह अभी तक नहीं आ सके, लेकिन हमें इस दिन को इस आशीर्वाद के साथ, खुशी के साथ मनाने के लिए आपने हमको सामर्थ्य दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस दिन के लिए जो भी यहाँ गीत गाया जा रहा है, उन सबको अपने आशीष से भर दे प्रभु, अपने आत्मा से भर दे प्रभु। यहाँ जो भी भाई बहन सुन रहे हैं, इस स्टेज में, इस मंच में आकर प्रार्थना में लगे रहते हैं, गीत गाते हैं, उन सबको अपने अपने आत्मिक आत्मा से भर दे प्रभु। सबको आपको जो भी आशीषें उनको चाहिए, जो भी कमी है, उन सबको इस गीत के द्वारा, इस आराधना के द्वारा उनको सब कुछ पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आइए हमारे साथ मिल जाइए। हे पवित्र आत्मा, आप हमारे साथ आकर आपके आत्मा से हमें भर दीजिए प्रभु, बंधनों से हमें छुटकारा दीजिए प्रभु, ताकि हम छूटी हुई, सबसे छुड़वाया हुआ, एकदम स्वतंत्र होकर प्रार्थना में लगे रहे, आनंद के साथ गीत गाएं और वचनों को सुने। हमें एक मन से, एक मन होकर सब भाई बहन, दूर पास सब लोग, एक मन से हम प्रार्थना में लगे रहने के लिए सामर्थ्य दीजिए प्रभु। मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। आइए कुछ गीतों को गाकर यीशु के नाम की स्तुति करें। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, तू जो कहते मैं करूंगा, तेरी राह पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा, मेरे प्यारे यीशु वे, तू जो कहते मैं करूंगा, तेरी राह पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा, मेरे प्यारे यीशु वे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना
यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
हालेलुया। और परमेश्वर के नाम से चंगाई है, परमेश्वर के नाम से मुक्ति है, और परमेश्वर के नाम से उद्धार है। कितने सुंदर रीति से हमने परमेश्वर की आराधना की कुछ गीतों को गा के। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर की प्रार्थना करते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए कुछ देर परमेश्वर की आराधना करें। हाँ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि तूने हमें ये मौका दिया, कि तूने हमें ये मौका दिया कि कुछ गीतों को गाते हुए परमेश्वर तेरे महानता के बारे में, तेरे प्रेम के बारे में, तेरी शक्ति के बारे में परमेश्वर गाने के लिए सहायता किया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जैसे कि तेरा वचन कहता है जहाँ पे दो या तीन लोग होते हैं परमेश्वर वहाँ पे तेरी उपस्थिति है। जब हम सब मिलकर तेरी आराधना कर रहे हैं, तेरी उपस्थिति को महसूस करते हुए परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। इस तीसरे हफ्ते में परमेश्वर तूने आने के लिए सहायता की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आपके उपकारों को सोचते हुए उस यीशु के नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि उसके नाम से चंगाई है, उसके नाम से शापों से छुटकारा मिलता है। उसका नाम इस संसार में सबसे उच्च नाम है। कितने महान और सामर्थी परमेश्वर की हम आज सुबह के वक्त में आराधना करते हैं। आइए अपने हाथों को उठाते हुए उस परमेश्वर को कहें, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे उस महान नाम के लिए परमेश्वर, जिसने हमें शापों से छुटकारा दिया, जिसने हमें चंगाई दी, जिसने हमें आज़ादी दी, जिसने हमें मुक्ति दी, जिसने हमें उद्धार दिया। तेरा नाम सबसे ऊंचा नाम है परमेश्वर, तू सामर्थ्य और दयालु परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। वो परमेश्वर इस भवन में निरंतर तेरी स्तुति होने पाए परमेश्वर, स्तुति के शब्द इस भवन में गूंजने पाए परमेश्वर। वो राजा निरंतर तेरी प्रार्थना करते हुए, तेरी आराधना करते हुए परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए सहायता कर राजा। हम तुमसे प्यार करते हैं राजा, हम आपसे प्यार करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तूने हमसे प्रेम किया है परमेश्वर, अपने इकलौते पुत्र मसीह यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। वो तेरे सारे आश्चर्यकर्म को सोचते हुए, तेरे सारे उपकारों को सोचते हुए, तेरी सारी भलाइयों को सोचते हुए परमेश्वर हम तेरे चरणों में आते हैं। आइए हम सब अपने मुंह को खोल के इधर उधर ना ताकते हुए उस परमेश्वर की ओर देखें, जिस परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है, जिस परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है, जिस परमेश्वर ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, जिस परमेश्वर ने हमें सामर्थ दी है, जिस परमेश्वर ने हमें एक अच्छा परिवार दिया है, एक कलीसिया दी है। कितना धन्यवाद देना चाहिए, हमारा हृदय, हमारा ध्यान, हमारा सब कुछ उस परमेश्वर का है। आज हम जो भी कुछ हैं, जिस स्थिति में भी हैं, जितनी भी ऊंचाइयों में चले जाएं, उसका बस एक ही कारण है, वो है यीशु मसीह। हाँ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस भवन में तेरी आराधना होने पाए परमेश्वर, इस भवन में तेरी स्तुति होने पाए परमेश्वर।
स्तुति आराधना प्रशंसा तेरे ही चरणों में राजा, तू महान और सामर्थी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, तू हमारा पिता है, तू हमारा खुदा है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। कुछ देर परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए सहायता की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब मिलकर इस वक्त कुछ विशेष प्रार्थनाओं के लिए, कुछ विशेष विषयों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करिए। आइए हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, इस भारत देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। वो परमेश्वर, ये भारत तेरा है राजा। इस भारत में जितने भी जनजातियां हैं परमेश्वर, वो सब तेरी कहलाती है राजा। वो परमेश्वर, इस भारत देश में तेरी स्वर्ग के विदारियां ने पाए परमेश्वर, अनेक चिन्ह और चमत्कार के कार्य देखने पाए परमेश्वर। वो तेरी महानता को महसूस करने के लिए, तेरे अद्भुत कार्य को महसूस करने के लिए परमेश्वर इस भारत देश में एक विदारी को भेज दे राजा। उस शैतान के सारे बंधनों को तोड़ दे परमेश्वर, सारी जादू टोनाओं की शक्तियों को परमेश्वर, हर एक बुरे विचारों को परमेश्वर, हर एक बुरी आदतों को परमेश्वर, हर एक बुरी सोच को परमेश्वर इस देश से दूर कर दे परमेश्वर। वो आने वाले दिनों में राजा इस भारत देश में अनेक उन्नति को, अनेक विकास को हम देखना चाहते हैं राजा। ओ परमेश्वर, अपनी स्वर्गीय आशीष से, सामर्थ से परमेश्वर इस देश को भर दे। तेरी आजादी को महसूस करने के लिए सहायता कर परमेश्वर। इस देश के हर एक अधिकारियों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। जैसे सुलेमान को परमेश्वर तूने बुद्धि और ज्ञान दिया, उसी रीति से परमेश्वर इस देश के हर एक अधिकारी को परमेश्वर तेरे दिए हुए मार्ग पे चलने के लिए, सत्य पर चलने के लिए, इस देश का भला सोचने के लिए परमेश्वर तूने सहायता कर राजा। इस देश से परमेश्वर हर एक गरीबी को दूर कर दे राजा, हर एक तंगी मुसीबत को दूर कर दे परमेश्वर। वो परमेश्वर, आखिरी दिनों में आ चुके हैं कि तेरा आगमन बहुत नजदीक है। हर एक घुटना झुकने पाए, हर जुबान ये कहने पाए कि यीशु ही जिंदा खुदा है परमेश्वर। तो एकमात्र रास्ता है उस स्वर्ग के लिए, तो एकमात्र रास्ता है उस स्वर्ग के लिए परमेश्वर। तेरे सिवा कोई रास्ता नहीं है, तू मार्ग बनाने वाला परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। अपने परिवारों को याद करते हुए प्रार्थना करते हैं राजा, तेरी शांति और तेरा चैन परिवारों में बने रहने पाए परमेश्वर। आत्मिक रीति से परमेश्वर हर एक परिवार को मजबूत कर। जितनी भी ताकतें परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उन सबको यीशु नासरी के नाम से हम तोड़ देते हैं राजा। हर एक परिवार में परमेश्वर प्रेम उमड़ने पाए परमेश्वर। वो परमेश्वर, इस जवानों में परमेश्वर, इस देश के हर एक जवानों को तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। इस जवानी के दिनों में तेरे सृष्टिकर्ता को याद करने के लिए, तेरे बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए तू सहायता कर राजा। अपने जीवन को पवित्र करने के लिए, अपने जीवनों को शुद्ध रखने के लिए तू सहायता कर राजा। और परमेश्वर, इस कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। इस होबेजी कलीसिया को परमेश्वर तूने पल्ली करने में रखा है राजा। वो अनेक लोगों के लिए परमेश्वर तूने इस कलीसिया को एक आशीष का कारण बनाया है। अनेक लोगों ने परमेश्वर तेरे चमत्कार को महसूस किया है। वो परमेश्वर, इस कलीसिया को परमेश्वर और आगे बढ़ा। इस कलीसिया के हर एक पासवान को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, हर एक कर्मचारी को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर।
उन सबको परमेश्वर भला चंगा रख राजा, तेरे मार्ग पर चलने के लिए तू सहायता कर। इस कलीसिया के हर एक विश्वासी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार को आशीषित कर राजा। आज के दिन में परमेश्वर तूने आराधना करने के लिए सहायता की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग परमेश्वर इसी हिंदी आराधना को देख रहे हैं, उन सबको तू आशीष कर राजा। उनके जीवन में कोई भी परेशानियां है, अगर उनके जीवन में आंसू है परमेश्वर, तंगी मुसीबत है, तो उन सबको दूर कर दे राजा। इसी वक्त परमेश्वर उनकी दुआ को सुन ले परमेश्वर, तो उनके आंसुओं को देख ले परमेश्वर, उनकी सुधी ले। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमेन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की महिमा और कृपा हो, और इस आराधना में जो शामिल हैं उन सबको, जो यूट्यूब के माध्यम से जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो इसमें शामिल है, वो सबको यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। आइए हम वचन को ध्यान करने जाएं। परमेश्वर की पवित्र ग्रंथ बाइबल के अंदर एबेसिंग की किताब, उसमें 3:20-21 हम पढ़ेंगे। अब जो ऐसे सामर्थी हैं कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगाने की होती रहेगी, आमीन। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। अब जो जैसा सामर्थ है कि हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हमें कार्य करता है। पुत्र परमेश्वर नाम की धन्यवाद हो। इस पर परमेश्वर के सामर्थ के बारे में लिखा है, वो सामर्थ कहीं अधिक हमसे और आपसे, हमारा हम सबसे वो काम करता है। इसके बारे में हर एक व्यक्ति, मसीह को जाने हुए, मसीह को उधार पाए हुए हर एक व्यक्ति परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की ताकत को जानना जरूरी है। हालेलुया, हमारी विनती, जो हमारी प्रार्थना, जो हमारी समझ से अधिक, कहीं अधिक, इसमें क्या लिखा है, कहीं अधिक काम करता है, वो परमेश्वर का ताकत है, परमेश्वर का सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य के बारे में हम और आप जानना बहुत जरूरी है। ये बार नहीं, परमेश्वर बोलता है, जब परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को उदार पाए हुआ हर एक के साथ परमेश्वर बात करता है कि मेरे ताकत आपके अंदर काम कर रही है, कहीं अधिक आप विनती कर रहे हो, जो आप समझ रहे हो उससे कहीं अधिक काम करने वाला मेरे ताकत को, मेरे बेटे तुम जानो, परमेश्वर का कहना यह है। ये ताकत कहीं अधिक काम करती है, तुम उसके आत्मा से अपने पितरी मनुष्य में सामर्थ्य पाकर बलवंत हो जाओ, बलवंत हो जाओ, सामर्थ्य पाकर आत्मा से अपने पितरी मनुष्य में सामर्थ्य पाकर बलवंत हो जाओ। माने पितरी मनुष्य में, मनुष्यता में परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की सामर्थ या परमेश्वर की बल को पाकर बलवंत हो जाओ करके परमेश्वर ने लिखा है। ऐसा बलवंत हुआ अपोस्टल की एक काम को हम देखना जाएं, आपके सामने लाना जाऊंगा। प्रेरितों की काम 3 को शुरू से लेकर हम पढ़ेंगे, तो यहाँ क्या लिखा है। पतरस और यूहन्ना 3 प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को लाह रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वे मंदिर में जाने वाले से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, बस
तो हम ये पढ़ने से आपको, आप और हम सबको, जो सुनने वाले सबको ये मालूम पड़ गया होगा, पत्रोस और यूहन्ना दोनों अपोस्तल परमेश्वर के कलिशिया में जा रहे थे, परमेश्वर के मंडली में जा रहे थे। जब मंडली में जाना लगा तो वहां पर क्या होता है, मंडली के दरवाजा पर, दरवाजे से लेकर वहां स्ट्रीट पूरा, जो भीख मांगने वाले बहुत से लोग को वहां ला करके खड़ा कर देते हैं। वो बैठा हुआ कलिसिया में के अंदर आने वाला, कलिसिया मंडली के अंदर आने वाला सबसे वो भीख मांगते थे। यहां पर देखते हैं, जन्म से, जैसे मां की गोद से जो पैदा हुआ, जन्म से वो लंगड़ा हुआ, लंगड़ा था, उस आदमी को उठा करके लेकर के वहीं उसको बिठा देते थे। वो जैसे जो और लोग भीख मांगते हैं, उसी तरह वो आने वाला सबसे वो भीख मांगते थे। उसी तरह जब मंडली में पत्रुस और यूहन्ना दोनों जा रहे थे, उनसे भी वो भीख मांगने लगा। हालेलुया। जब उससे भीख मांगने लगा तो पत्रुस अपने यूहन्ना के साथ ये पूछा, क्या पूछ रहे थे, थोड़ा उसको उस चीज को पढ़े। पत्रस ने यूहन्ना के साथ, पत्रस से यूहन्ना के साथ उनकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख, सुबह उनके कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। हाँ, यहाँ पर देखने वाली बात, उसकी नजर को अपने साथ मिलाया है, क्योंकि परमेश्वर का ताकत, परमेश्वर की भीतरी मनुष्यता के अंदर परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की ताकत भरकर बलवंत हुआ, अपने पत्रोस और यूहन्ना को नजर मिलाया, क्योंकि उसकी उसकी आशा क्या थी, उसको पढ़ना। पत्रस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख, सो वे उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। उसकी आशा रख, हमेशा उसकी आशा क्या है, वो भीख मांगने की आदत पड़ी हुई है, तो उसका आदत के अनुसार इनके भी कुछ देंगे करके वो हाथ फिरा करके भीख मांगने लगा। तब पत्रोस ने हमें देख करके बोला, हमें देख, हम किस जानते, देख आप जो मांग रहे हो, धन, ये सोना, ये पैसा, जो भी हमारे पास नहीं है, उस वजन को पढ़े। तब पत्रस ने कहा, चांदी और सोना तो, मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है, वह तुझे देता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से, चल, चल, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। मेरे पास क्या है ताकत, मेरी ताकत या क्या है करके आप और ये मसीह भाई हो, इस बात को सुनने वाले कलीसिया के अंदर रहने वाले सब विश्वासी हो, आप सुन लो, मेरे अंदर क्या ताकत है करके, तब तक तुम जानेगा नहीं, तो दूसरे को हम उस ताकत के बारे में, ताकत को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए पत्रोस ने कहा, तो मेरे को देख, मेरे से नजर मिला, क्योंकि तेरा आदत आने वाला जाने वाले से भीख मांगने की आदत, इसलिए उसको नजर को सही तरीके से मिलाया, मिलाकर कहा, तू जो मांग रहे हो, धन, सोना, चांदी, पैसा, मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे अंदर है, वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ताकत, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का बल, उससे पितरी मनुष्य भर करके बलवंत हुआ हूं, उस बलवंत सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, तो उठ चल करके उसको बोला। केवल बोलना नहीं, वो वहां पर विश्वास काम किया क्रिया के साथ, बोलते ही चल नहीं पड़ा, वहां पर देखने वाली बात यह है, उसको पकड़ा, पकड़ कर उठाकर यीशु मसीह के नाम से, तो उठ, उठ गया, और जन्म से लंगड़ा था। आप ध्यान से देखिए, यहां पर जो ये व्यक्ति था, ये जन्म से लंगड़ा था, सालों से वो, हर एक व्यक्ति
कलीसिया में मंडली में जाने वाले से भीख मांगने वाला था, लेकिन जब उस नजर मिला करके अपने पास भरे हुआ जो बल है, परमेश्वर की ताकत है, सामर्थ को जब इस्तेमाल करके उस ताकत को बाहर लाकर उसको बोला तो खड़ा हो, खड़ा हो गया। उसकी हड्डियां तसलियां पूरा सीधा हो गई, खुद का खड़ा होकर के कूदने लगा। आप उसको पढ़ के देखें, उस वजन को पढ़ेंगे। और वे उछलकर खड़ा हो गया, उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, चलने फिरने लगा और चलता और कूदता, चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया, परमेश्वर की स्तुति करता मंदिर में गया। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं जन्म से ये अमूमन आदमी के पास आदमी से कोई अद्भुत काम नहीं है, ये चमत्कार है। कहीं हुआ नहीं इस संसार के अंदर, जन्म से जो ये लंगड़ा ही पैदा है उस व्यक्ति को उठाकर उसके पांव, उसकी नस, उसकी हड्डियां पूरा नया बनकर खड़ा होकर को कूद करके वो परमेश्वर की स्तुति करते हुए वो उनके साथ चलना शुरू कर दिया और मंडली पर वो भी जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। प्रिय भाई हो, प्रिय मसीह भाई हो, अभी उद्धार के लिए आप अभी परमेश्वर के वचन को अभी अभी इस वक्त सुन रहे हो, सबके साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर बात कर रहा है। ए भाई हो, तेरे अंदर काम करने वाला मेरी ताकत, तेरी बिंदी, तेरी समझ से कहीं अधिक काम करने वाला मेरा ताकत को तुम जानो, तब जाकर के तू भीतरी मनुष्य में बल हो करके इस संसार में मैं जो काम किया है वो काम तुम भी करेगा। हालेलुया, पवित्र परमेश्वर नाम की महिमा हो। जब ये अद्भुत काम हुआ, वहां के लोग सब दौड़ के आए, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ करके दौड़ मांग करके जो आकर के इनको इनके पास पूछने लगे, तो उन तब पत्रुस ने बताया, ये क्या तू आश्चर्य से देख रहे हो, ये हमारा हाथों से हमारे वजह से नहीं हुआ, तुम लोग जीवाधिपति को जब क्रूस पर मार डाला है उस यीशु मसीह की ताकत से ये चंगा हुआ है। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा हो। यही चंगा, ऐसे कितने लंगड़े को हम आप चंगा कर सकते हैं, लेकिन इस ताकत को जानना जरूरी है। जब तक आप परमेश्वर आपके अंदर काम करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ताकत को नहीं जानेगा, तब तक तुम अधूरा है। कलीसिया में आ रहे होगा, वजन को सुनता होगा, आराधना करता होगा, प्रार्थना करते होंगे, लेकिन हे भाई, मेरे जन, मेरे जनजाति, मेरे ताकत की ज्ञान को पहचाना नहीं है करके परमेश्वर दुख में है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप और हमसे दुख है इस बात की। तुम विनती करते हो, प्रार्थना करते हो, तेरे समझ से कहीं अधिक काम करने वाला ताकत मैं तुझे दे रखा हूं, इसको थोड़ा सा हांग खोल करके देखो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर दुख है, दुख हो करके ये हमेशा हमेशा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमेशा दुख रहते हैं। कारण क्या मालूम है? उसके नाम से उदार पाए वार एक व्यक्ति परमेश्वर की ताकत को नहीं जाने। परमेश्वर का ताकत मरे हुओं को जी उठाने वाला ताकत है, जो नहीं है वहां पर सबको उसको उर्पत करने वाला ताकत है। इस ताकत यहां पर एक जन्म से लंगड़ा है उसको चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये बात हर वहां के कितने भी जो राज्य है, राज्य के अंदर सब ऐसे फैलते फैलते चला गया। तो वहां पर कलीसिया में आदमी आप पढ़ के देखें तो उसमें 3,000 लोग परमेश्वर को पाए, 3,000 लोग, 5,000 लोग परमेश्वर को पाए, कलीसिया बढ़ गई। वही इच्छा है परमेश्वर का आपके ऊपर, मेरे ऊपर, हम सबके ऊपर। यही ताकत, यही सामर्थ मेरे से काम करेगा,
मेरे से अधिक काम करने के लिए चाहता है, आपसे अधिक काम करने के लिए चाहता है, हम सब से काम करने के लिए चाहता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तो बुजुर्गों, ये बात को सही तरीके से दिमाग में बिठाओ। आपकी विनती, आपकी समझ, आपकी सोच, आपकी जो ज्ञान से अधिक काम करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ को जानो, ताकि यीशु मसीह इस संसार में जो किया है उससे अधिक काम और हम और आप कर सकेंगे। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। इसलिए कुलुसियों की किताब 1:29 पढ़ के देखें। और इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता रहूं। परमेश्वर नाम की महिमा हो। अपोस्तल पौलुस ने कुलुसियों की कलीसिया के लिए जो लिख रहा है उसमें ये बोल रहा है कि उस शक्ति के अनुसार, उस ताकत के अनुसार, उस सामर्थ के अनुसार मैं मुझ में जो सामर्थ है, मुझ में जो परमेश्वर ने दिया वो शक्ति है, उसके अनुसार मैं प्रभाव करके मैं उसके लिए प्रयास करता रहा हूं करके परमेश्वर लिखा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारे अंदर काम करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, परमेश्वर की ताकत को, उसकी बल को, उसकी सामर्थ को आप कैसे जाना है, कैसे नहीं गया, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप समझ रहे हो ना समझ रहे हो, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे अंदर वास करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको सही तरीके से समझा रहा है, समझाएगा तो समझेगा। इसलिए इस शक्ति को पाने के लिए हमेशा हमारा प्रार्थना करना है। इसके 30 के एबीसी के 3 अध्याय का 21 पढ़ेंगे। तो इस ताकत को क्या करनी है, इस ताकत को लाने के लिए, इस ताकत को हमारे पास बढ़ाने के लिए हम क्या करना करके इसमें लिखा है, पढ़े। कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुग होते रहे। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की धन्यवाद हो। माने इस शक्ति को हमें हमेशा हमारे मुंह से महिमा करना है। कहां पर? कलीसिया में आकर और मसीहा यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी पीढ़ियों तक, युग युग अनुयुग तक होते रहे, आमीन करके उसकी हमेशा महिमा करेंगे, तब जाकर के ये जो सामर्थ हमारे अंदर बढ़ती जाएगा। हालेलुया, इस सामर्थ को जाना है, कलीसिया के अंदर आना है। कलीसिया के अंदर आकर अपना सर्वशक्तिमान परमेश्वर मसीह का, मसीहा यीशु में उसकी महिमा का, महिमा पीढ़ी पीढ़ियों से तक, युग अनुयुग तक होते रहे। उसके लिए उस बात को बोल बोल करके परमेश्वर की महिमा करे, तब जाकर के ये बढ़ेगा। हालेलुया, तब जाकर के ये बढ़ेगा, तब जाकर के हम बल को दोबारा भी इस चीज को हम पढ़ के देखें। एबेसु की किताब में 3:16 दोबारा हम इसको पढ़े। कि वे अपनी महिमा के धन के अनुसार, महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतर मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। ओ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। अपनी भीतरी मनुष्य, भीतरी मनुष्यता में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाने के लिए हम कलीसिया में आकर के, कलीसिया के अंदर घुटना टेक करके परमेश्वर की उस महिमा को, उस सामर्थ की महिमा को आराधना करना, उसकी महिमा करना, वो ताकत मेरे अंदर काम कर रहा है बोल करके परमेश्वर के विश्वास के साथ हम भीतरी मनुष्य में बलवंत हो जाए, तब ये काम बड़ा आसानी से होगा। हम और आपको, हम सबको सर्वशक्तिमान परमेश्वर उठाकर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, इसलिए आप
देखेंगे इस महीना में प्रॉमिस वाक्य अपना प्रथम पादरी के इस महीना का प्रथम पादरी के मुंह से जो निकली हुई बात यही था उसको हम दोबारा पढ़ें। आपको मैं याद कराना चाहूंगा निर्गमन निर्गमन के किताब के अंदर पुस्तक के अंदर 34 का 10 हम पढ़ के देखें। उसने कहा सुन मैं एक वाचा बांधता हूं तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जैसे पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुआ और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे क्योंकि जो मैं तुम लोगों से कहता हूँ वह भय योग्य काम है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा हो। उस हिंदी में पढ़ हुए देखा है और तमिल में पढ़ेंगे तो इसमें क्या लिखा है मैं आपके साथ रहते हुए जो मैं काम सब देखने लायक जो करूंगा वो भय योग्य काम होगा। हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। आपके साथ रहकर परमेश्वर ऐसा कोई नहीं बोलता परमेश्वर की मुंह से निकली हुई बात है ये। मूसा को सामने निकली हुई बात ये है मैं आपसे क्या डालूंगा बाचा बनाता हूं क्या बाचा बनाता हूं करके बोल रहा है। नीचे लिखा है मैं आपके साथ रहकर तमिल बाइबल में ये लिखा है मैं आपके साथ रहकर मैं जो काम करूंगा वो भय योग्य काम होगा। वो जो काम होगा अति भयंकर होगा अति भयंकर काम और हमारे साथ आपके साथ मेरे साथ हमके सबके साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर करने के लिए रेडी है। लेकिन यह जानना जरूरी है कि परमेश्वर हमारे मेरे साथ है मेरे पास है मेरे साथ है मेरे साथ जी रहा है करके वो जो दर्शन जो विजन हमें होना चाहिए वो दिमाग में जो है वो बात हमारे दिमाग में बैठा होना चाहिए। परमेश्वर ने बोला मैं आपके साथ इमानुएल परमेश्वर मेरे साथ है। इस परमेश्वर हमारे साथ है परमेश्वर की ताकत हमारे साथ है वो अति भयंकर काम हमारे थ्रू आपके थ्रू हम सबके थ्रू ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार करने वाला है करने के लिए हमेशा तैयार है। इस बात को सुने हुए हर एक मसीह भाई हो सुनने वाला जो भी है मसीह की ताकत को जानो मसीह की सामर्थ आपकी विनती आपकी समझ आपकी ज्ञान आपकी पढ़ाई लिखाई जो भी होगा उससे अधिक काम करने वाला काम करता है आपके अंदर से काम करेगा बाहर नहीं आपके अंदर से काम करेगा आपके थ्रू आपके द्वारा काम करे करने वाला इस ताकत को इस बल को आपको जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया पवित्र परमेश्वर नाम की महिमा। चलिए हम इस बात की प्रार्थना करें सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु सचमुच में आपकी मरे उनका जी उठाने वाला आपकी वचनों को आपने दिया है मैंने बांट दिया है लेकिन आपकी वचन ऐसे नहीं लौटेगा ताकि परमेश्वर आप जो चाहा है वो बात को पूरा करके ही ये बात वापस लौटेगी क्योंकि मेरे ये वजन के अंदर ताकत है इसके अंदर मरे हुए को जी उठाने वाली ताकत है जो जन्म से लंगड़ा है उसको चंगा करने की ताकत है वो ताकत को हर एक व्यक्ति जाने है। हालेलुया मैं ऐसा कोई आदमी नहीं है मेरे अंदर परमेश्वर की ताकत है। कोई भी विश्वासी ये मत सोचे कि मैं तो ऐसे ही हूं करके नहीं परमेश्वर की ताकत मेरे अंदर है परमेश्वर की ताकत आपके अंदर है इस परमेश्वर की ताकत अधिक काम करने वाला आपकी विनती आपकी समझ से अधिक काम करने वाला सामर्थ बल शक्ति परमेश्वर की पावर आपके पास है मेरे पास है हम सबके पास है। हे प्रभु इसको जानकर अब तक जो जिंदगी बिताया लेकिन आने वाला पीढ़ी में आने वाला जिंदगी के अंदर
मसीह की ताकत को हमेशा बार लेकर, जैसे पतरस और योहन्ना के जब मंडली में जा रहे थे वहां पर ये अद्भुत काम हुआ है, वो काम हमारा द्वारा, जो हमें हम इस बात को सुनने वाले हर एक विश्वासी के द्वारा ये काम हमारे हो, हम सबके साथ कर लो प्रभु। उठाकर हमें सबको इस्तेमाल करो प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार उठाकर हमें इस्तेमाल कर, हमारे बिंदी हमारी सोच से अधिक काम करने वाले ताकत को महिमा हो, स्तुति हो, युग हन युग तक महिमा होते रहे है प्रभु। ये छोटे से प्रार्थना सुन ग्रहण कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। सब मिलकर बोले, ये मेरा मन यहोवा की धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उस पवित्र नाम की धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा की धन्य कहे, और उसकी किसी भी उपकार को ना भूलना, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की, मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभाग्यता आप और हम सबके साथ हमेशा होते रहे, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष करें।